शिमला शहर के समर हिल के नजदीक शिव बावड़ी भूस्खलन हादसे में अभी तक 13 शव निकाले जा चुके हैं और बचाव कार्य जारी है। अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि शहर में कई पेड़ लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं और इनको हटाने का काम जारी है। जहाँ टेक्निकल लोग हैं जो उसको जो लेबर का काम इसी कार्य को करते हैं, क्योंकि रस्सा बांधना, रस्सा निकालना, वो एक पेड़ को किस डायरेक्शन में गिराना है वो इनको ज़्यादा मालूम होता है, क्योंकि पेड़ को काटना और उसको सही ढंग से गिराना भी एक टेक्निकल इशू है। इसको भी मैं चर्चा करूँगा इनसे कि अगर दूसरी एक दो टीमें और हमको मिले ताकि हम जल्द से जल्द जहाँ डेंजर पेड़ है, लगभग अभी हमारे पास 160 के करीब हमने पेड़ों को आइडेंटिफाई किया है जो डेंजर, जो विभिन्न क्षेत्रों से हमारे पास इसका लिस्ट आई है, जो साथ के साथ हम निकाल भी रहे हैं और इसका कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ। 3 दिन से हमारे पास जो था, उससे पहले तो मैं अपने नगर निगम की बात करूँ तो लगभग 15 से 20 करोड़ का अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं, लेकिन जो 3 दिन पहले का बारिश हुई है वो नुकसान इससे डबल हो गया। जो 3 दिन में हमारे को नुकसान हुआ वो शायद पिछले नुकसान से भी डबल है। इस बीच हिमलैंड के पास भूस्खलन के कारण बहुमंजिला भवन को खतरा बना हुआ है। ऐसे में इस मार्ग पर एहतियात के तौर पर यातायात बंद किया गया है। पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने बताया कि इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। किस प्रकार से जो है आगे सड़क मार्ग को प्रशस्त किया जाए, चलाया जाए, तो जिस तरह से हमारे पास टेक्निकल असेसमेंट जैसे ही आ जाएगी कि ये सेफ है या टेम्परेली सेफ है, तो उसी प्रकार से हम ट्रैफिक को मूव करने का जो है वो अपना डिसीजन जो है वो शुरू कर देंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जैसे मौसम थोड़ा सा बदला है तो हमको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा, बिकॉज लाइफ की जो सेफ्टी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हीकुलर मूवमेंट यहाँ पर हम सब जानते हैं बहुत ज़्यादा होती है और इंस्टेंटली रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर हमने इस सर्कुलर रूट को चला दिया। काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, एग्जैक्ट नंबर तो अभी मैं नहीं बता पाऊँगा आपको, और फर्दर भी हम देख रहे हैं कि और भी कुछ इवैक्यूएशन कराने की अगर आवश्यकता होगी वो भी करवाएंगे। देखिए अगर वैसे देखें हम टेक्निकली तो सभी सिटीजन इससे अफेक्ट हो रहे हैं, नॉर्मल लाइफ अफेक्ट हुई है, क्योंकि ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हो रही हैं, ऐसी रेन्स पहले तो कभी हुई नहीं है, और जगह जगह पे पानी का जो बहाव है वो बदल रहा है। पहाड़ में जो है काफ़ी सारा पानी, पहाड़ के अंदर ही ऐसा लग रहा है काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया। तो ऑल जहाँ भी हमको ये सब चीज़ का कोई रिपोर्ट होती है कोई रोड्स के बारे में या बिल्डिंग्स के बारे में, तत्काल हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और जो भी इसमें कार्रवाई करने के लिए सुनिश्चित रहती है उस कार्रवाई को सुनिश्चित करवाते हैं।